हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं, मजे कर रहे हैं। ठीक है, अभी तो फिलहाल हम लोगों को जो डाइट प्लान मिला था उसके हिसाब से डे टू चालू है हमारा। और मम्मी यहाँ पे बना रहे हैं टमाटर की चटनी। हम लोग के घर में ये टमाटर की चटनी और कोकोनट वाली चटनी है ना, हर दूसरे दिन बनती है, क्योंकि ये बहुत हम लोग को खाना पसंद है और हर किसी के साथ चली जाती है। और मैं बनाऊंगी ओट और जवारी और गेहूं के आटे का चीला। एक्चुअली चीला जो होता है वो बेसन का होता है, लेकिन आपने बोले उसको स्विच करो, चेंज करो, स्वैप करो इस चीज़ के साथ, जवारी के आटे के साथ, ओट्स के साथ, और गेहूं का आटा थोड़ा सा वो बाइंडिंग इसीलिए बस। तो मैं फटाफट से मेरी तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा ओट्स मम्मी ने निकाल के रखे थे, थैंक यू मम्मी। ओके, तो यहाँ पे है ओट्स, इसको हम लोग लेंगे 2 से 3 चम्मच। एक्चुअली ये थोड़े थोड़े में ना क्वांटिटी नहीं समझ में आती है कि कितना लेना चाहिए। और सब लोग अपने अपने काम पे लग चुके हैं। यहाँ पे भाभी अपने बर्तन डिश वॉशर में लगा रहे, इनको सुबह सुबह ही लगाना स्टार्ट कर देते, लगाते रात को, लेकिन सुबह से ही बर्तन जमना स्टार्ट हो जाते हमारे। और यहाँ पे मैंने ओट्स को अच्छे से पीस ली हूँ। ठीक है, वहाँ पे इमरान भाई जो है मॉपिंग कर रहे, न्यू आया ना तो ज़रा नया नया इमरान भाई करे कैसा, और हम लोगों को सिखाएंगे। सही है यार, देखो वाह गीला भी हो गया, देखो सही चीज़ है, ये सब होनी चाहिए घर में। हाय, ये कौन सा पानी पी रहे मम्मी तुम ऐसे कलर का? मेथी का पानी था ना, तो मैंने इसमें डाल के करता। मेथी का पानी, वाह, सुबह मॉर्निंग में ऐसा कुछ ना कुछ अलग करना चाहिए, मेथी का पानी, बादाम, कुछ ना कुछ। ओके, मम्मी बोले जाके थोड़ा सा काम कर ले बेटा। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ टमाटर की चटनी में, चम्मच एक चम्मच। तो आज एक और एक चीज़ खास होने वाली है, क्योंकि हम लोग जाने वाले हैं हेयर कट के लिए। हमारे बाल काफ़ी से वो हो गए, तुमची तुमची सी आ गए, तो हम लोगों को हेयर कट लेना है। तो हम लोग उधर भी जाएंगे फटाफट से, दोपहर में चले जाएंगे जब सब काम हमारा हो जाएगा तब। तो फिलहाल अभी हम लोग बनाते हैं पहला नाश्ता। मॉर्निंग रूटीन जो होती है ना बहुत हैक्टिक होती है, क्योंकि सुबह सुबह सबका अलग अलग नाश्ता भी होता है और सबका टाइमिंग सेम नहीं होता उठने का, तो वो सब में इस चीज़ को मैनेज करना ना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि भूखा नहीं रहना चाहिए ना, और जो बनाता है वो भी भूखा नहीं रहना चाहिए, तो वो बना नहीं पाएगा। ये हो चुकी है हमारी टमाटर की चटनी, इसको हम लोग फटाफट से ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसको फैन फास्ट करके हम लोग थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखते हैं। मैं इतना तो नाश्ता बनाती हूँ ना, कोई भी नाश्ता, लेकिन मुझे ना सुबह उठ के ना किसी और के हाथ का चाहिए रहता है, मतलब मैं खुद के लिए इतना कभी नहीं कर सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं पाव ब्रेड को टोस्ट कर सकती हूँ, चाय बना सकती हूँ, लेकिन ऑमलेट तलना, भुर्जी बनाना, डोसा बनाना नहीं होता है, ये सिर्फ मम्मी लोग ही कर सकते हैं, और स्पेशली मम्मी के हाथ का चाहिए रहता है सुबह उठ के। इतने लोग बैचलर है ना, उन लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग मैरिड है ना उन लोग को क्या खुद से ही बनाना पड़ता है। तो ये देखो, ये मेरा ओट्स का आटा था, ओट्स को मैंने पीसी थी। ठीक है, एक चम्मच लो बस। और ये है जवारी का आटा। बेसन को हम लोग ने मतलब टोटली स्किप मार दी, चीला में बेसन ही होता है ना, बेसन का चीला। लेकिन यहाँ पे है ओट्स, जवार एंड बीट। मम्मी दही डालू बस ना, ज्यादा हो जाएगा ना, तो रात ही होता है। मम्मी बना रही चटनी, खोपरे की चटनी। क्या क्या डाले मम्मी? कुछ नहीं, मिर्ची है, खोपरा है, लहसुन है, मिर्ची है, थोड़ा सा दलिया डाल देगी। और ये हो गया हमारे साथ एक स्यापा। मम्मी बोलेगे सब मेरी चीजें रिकॉर्ड कर। कुछ बटन है क्या? मैं उठा लूंगी, तुम जाओ, तुम पीस लो चटनी, पीस लो। काम के टाइम पे ये सब होता है ना, और चिढ़ाती है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी ओट्स का चीला। मम्मी बोले गोल नहीं आया तेरे से, यही हो जाए वो फ्री होते गोल, क्या करूंगी। खोपरे की चटनी का तड़का, चलो करना। सुबह सुबह अपने डाइट में ना प्रोटीन को ऐड करना चाहिए, कोई भी फॉर्म में, अंडा हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, कुछ भी, क्योंकि बॉडी को ना एनर्जी चाहिए रहती है। दाल लेती हूँ, नमक खा के बनाता,
हफ्ते गिर जाता था मेरे से। सिर्फ नमक और काली मिर्च भी इंसान को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। मैं वीडियो देखती थी ना, अंडा का फोड़ते हैं वो बहुत अच्छा लगता, उससे ऐसा अंडा तोड़ने का, ऐसा अंडा निकालने का कुछ अलग अलग शौक है मेरे। क्या है दलिया? मम्मी दलिया है, मम्मी मम्मी दलिया इसमें था ना, देख इधर कौन गरम करके निकाले। अच्छा है ना, क्या है मम्मी खाना? दाल चावल भिंडी आलू चिकन की सब्जी है। थोड़ा सा चिकन है। अगर आप लोगों को ये भिंडी आलू की रेसिपी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। एक्चुअली मैंने ये शूट नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे और थोड़े से बिजी हो गए। यहाँ पे पकड़ी हमारी गरम गरम रोटी और ये है हमारी एज यूजुअल दाल। हम लोग की नॉर्मल दाल भी बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ मम्मी के हाथ की स्पेशली। वहाँ पे भाभी ने खाना निकाल दी, ऑलमोस्ट नहीं, पापड़ और दही है, ये है पापड़ ऑल्सो। यहाँ पे रयान एक्चुअली सो रहा है तो हम लोग ने लाइट को बहुत बंद रखे। चलो फिर बनाते हैं हमारी आज की थाली। ओहो, तो यहाँ पे हमारी थाली बन रही है भाई। मम्मी के हाथ का खिचड़ी और रायता भी मिल जाएगा ना तो भी बच्चों को चल जाएगा, लेकिन खाते नहीं ना खिचड़ी रायता। सब्जी, रोटी, चावल। ये दाल की रेसिपी तो अभी आप लोगों को इतनी रट्टा हो जानी चाहिए ना कि आप लोग हम लोग को बताना चाहिए क्या क्या है। और माशाल्लाह अचार नहीं, अचार मत दो चलेगा, अचार है ना साइड में। माशाल्लाह प्लेट हो तो ऐसी सब चीज है इसमें। ये खाने में है ना सब चीज है। भाभी ने राइस नहीं लिया, अच्छा पहला रोटी। मैं एक्चुअली दिखावा कर रही हूँ ना, चावल रोटी सब साथ में ले ली। तो ये है हमारी आज की थाली। कैसा लग रहा है आज का खाना? अच्छा ही बना है मालूम है, टेस्ट करने की जरूरत है, रोज अच्छा बनता है। माशाल्लाह मम्मी के हाथ की सिर्फ दाल चावल भी मस्त लगते हैं यार, माशाल्लाह। क्योंकि बहुत चीज ना मुझे नहीं पसंद थी पर मम्मी के हाथ की मुझे पसंद है, जैसे कि वो कल वाली करी मम्मी ने बनाया, मुझे बहुत पसंद आई। सासू माँ की तारीफ थी क्या? और एक दो चीजें भूल गई। हाँ जो नहीं खाती थी ना वो अच्छी लगने लगी। वेरी गुड। ये होता है खाना बनाने वाले की बात कि जो खाना नहीं पसंद हो ना वो भी इंसान खा ले तो मतलब तुम अच्छे शेफ हो। मम्मी शेफ है ये। आप लोगों को शायद से सही से नहीं दिख रहा होगा लेकिन उस चीज़ के लिए प्लीज हम लोग माफी चाहते हैं, कोऑपरेट करो हम लोग के साथ क्योंकि हमारा बेबी वहाँ पे सो रहा है। ठीक है, तो मम्मी ने कंप्लीट कर दिए फिर से ककड़ी से। थैंक यू मम्मी। सो वी आर गुड टू गो। देखो नीलोफर आप अभी भी नहीं आ रहे, शानो से हम लोग बाल कटाने जा रहे हैं। उससे बाल नहीं कटा सकते, तो पेटी लेके आते दरवाजे पे। बच्चे तो कराते थे हम लोग भी वो सब। ऐसा एक बाजू पेटी खुलती उसकी दोनों बाजू से पानी का फव्वारा रहता, उसमें दाढ़ी बनाने का लकड़ी का रहता उसके पास। हम लोग इतनी सख्त दाढ़ी ऐसे नहीं आ रहे ना, हम लोग को हेयर स्टाइल करवाना है। कुमार वो बहुत सख्त आदमी था, ऐसा बाल खींच के बिठाता था नीचे कि जैसा हाथ से उखाड़ देगा खींच के। बचपन में हम लोग ने उससे बनाया ना, टकले होते थे उससे ही होते थे, जाते थे क्या सलून वलून में? नहीं, 10 रुपए में बाल काटता था, 5 रुपए में दाढ़ी। बहुत ज्यादा पुराने है शाना से, प्लीज 10 रुपए और 5 रुपए में बाल कटा रहे, बाप रे बाप। उससे लोग बहस करते थे 1 रुपए का ब्लेड है तो इतना क्यों पैसा ले रहा है ये वो। सही है। तो अभी ये दोनों महान हस्ती आ नहीं रही है, मेरे को अकेला लोग छोड़ दिए। देखो देखो आप ऑटो है क्योंकि शानवादे को बोले ना जरा, तो शानवादे ने आइडिया दिया तुम लोग तीनों ऑटो से चले जाओ। तो यहाँ पे आप एक देखो सजेशन मैटर नहीं करता, सजेशन जाओ तुम लोग तीनों रिक्शा। वो
सो गाइस अभी हम लोग एक एक करके निकल रहे हैं क्योंकि नीलोफर आपा है तो रयान आपा को जाने नहीं देगा, तो पहला भाभी और मैं जा रहे, पीछे से आपा हम लोग को ज्वाइन कर लेगी। ये जब बच्चे लोग रहते हैं ना तो ये हर कोई रिलेट कर सकता है, बच्चे लोग के सामने पेरेंट्स जाना बोले तो बाप रे मैटर हो जाता है। चलो भाभी ये दोनों ऑटो को इतना उससे आपा का सिर्फ यही रहता है। क्या नाम है उसका? एवरशाइन, फिर क्या बोलते हैं उसको, जनकल्याण। तो ये है हमारे चेहरे जो बिना हेयर कट के है, माशाल्लाह अच्छे ही है। आने के बाद हम लोग पापा की परिया कहलाएंगे, है ना? क्या कौन सा हेयर कट करवाने वाले स्टीलो ने कुछ सोचे? मैं यू कट कराऊंगी। कौन सा यू? ओके मेरे को तो वही सजेस्ट करेंगे। हाँ भी तुम्हारा पर लेंथ बड़ी रहेगी। ये बहुत गंदा लगता है, अच्छा ना मेरा बाल बताइए, बाल से बहुत अलग लगते हैं लेकिन जब बाल बन जाएंगे ना मजा आएगी एकदम। तो अभी हम लोग सीधा मिलेंगे, कहाँ पे मिलेंगे? तो हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट सैलून। यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, ये है कैट सेट स्टाइल बार। तो पहला आपा की बारी। क्यों ऐसा थोड़ी नहीं, ये एक्चुअली ये सैलून अच्छा है, इसमें एक्सपेरिमेंट की कोई बात नहीं है। देख लो आपा के बिफोर वाले बाल। भाभी के हेयर सेट हो रहे, तो आप रील्स बना रहे। ओ कैसी बनी बहन, फुल बोर हो रहा है आपा तुमको, है ना? इसीलिए हम लोग आए थे दोपहर में, रात होने आ गई। सो गाइस अभी हमारे बाल अच्छे से वो हो गए, इन लोग ने सर कवर कर लिए तो पता नहीं चल रहा है। तो अभी हम लोग आंसू में ही था, इतने हाईली बोर्ड और इतने थक गए थे ना हम लोग, तो आ गए जूस पीने के लिए। साथ में ही देंगे, वो बोले तीनों को साथ में देंगे। थैंक यू। लो ना आप ये पियो ना, एक बोतल लो। नो हम भी लेंगे ना। अल्लाह हम भी लेंगे ना। नो नो इसीलिए मैं नहीं बोल रहा, नहीं लेंगे बोतल। दरवाजा खोलो। अल्लाह मेरा बाबू आया। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो बेबी। कैसे लग रहे हमारे बाल? अच्छा लग रहा है ना हमारा नया लुक? भाभी ने बताया काय को डर रहे, क्या मालूम छोटे होगा छोटे होगा ऐसा सोच रहे। कैसा बात कर रहे यार, इतने मस्त लग रहे माशाल्लाह, हमारे बाल मस्त है ना, बताओ। छोटे हो गए ना तो दुपट्टा ऐसा रख रख के घूम रहे। तुम भी सैलून गए थे? हाँ। अच्छा किए, गर्ल्स अपने अपने बालों से खुश है, तुम लोगों को कैसा लग रहा है बाल कटा के? अच्छा लग रहा है ना, एक अच्छी फीलिंग आती है पता है, हेयर कट करवाने से ना अच्छा लगता है इंसान को। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, हम लोग ने हम लोग का हेयर कट करवाया। आप लोग भी अपने बालों का ध्यान दीजिए, अपना ध्यान दीजिए। ऐसा सैलून जाने से क्या होता है पता है, इंसान अपने आप का ध्यान देता है थोड़ा बहुत, चाहे वो कुछ भी हो, ट्रिमिंग हो या
पूरा हेयर कट हो या हेयर कलर हो या फिर स्पा हो, कुछ भी हो कुछ भी हो, अपने आप को टाइम दो, अपने लिए टाइम निकालो, दूसरों के लिए टाइम निकालो और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाओ, सबके साथ जाओ, ठीक है। सो बस अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे आप लोगों को हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। पीछे